दो पर्यवेक्षकों को आसाम भेजेगा। यूपी के मेरठ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहाँ एक अस्पताल में मरीजों की मौत के बाद उनके घर वालों ने अस्पताल कर्मचारियों के साथ मारपीट की। आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की जान गई। और ये पूरी घटना उस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग अस्पताल के कर्मचारी को पकड़कर उसको बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। वो लोग उसे मारते मारते अस्पताल के बाहर ले गए। बताया गया कि इसी तरह कुछ और कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने इसकी खबर पुलिस को दी। बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। पुलिस ने वहाँ पहुँचते ही हंगामे को शांत करवाया। इसके साथ ही अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गयी, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो सके। वही प्रशासन के निर्देश पर मरीजों की मौत की जाँच शुरू कर दी गयी। आंध्र प्रदेश में 14 दिन के लिए कर्फ्यू लगेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बुधवार से 14 दिनों के लिए आंशिक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। इस दौरान दुकानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। हालांकि जरूरी सेवाओं पर इस पाबंदी का कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली के मंगोलपुरी में संजय गांधी अस्पताल में फ्रांस से मंगाए गए ऑक्सीजन प्लांट को लगाने का काम शुरू हो गया। बताया गया कि ये प्लांट अगले 3 से 4 दिनों में तैयार हो जाएगा, जिससे आसपास के अस्पतालों को भी ऑक्सीजन मिल सकेगी। 72 से 48 घंटों के अंदर ये प्लांट लगकर तैयार हो जाएगा। श्रीलंका के ऑलराउंडर खिलाड़ी तिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में मदद का हाथ बढ़ाया। उसने भारत को $50,000 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 37 लाख रुपए दिए। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के फैसले पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। यूपी में मंगलवार सुबह तक चलने वाले लॉकडाउन को बढ़ाकर गुरुवार की सुबह तक कर दिया गया। जहां जैसी आवश्यकता होती है वैसा कदम उठाया जाता है। आज की यही आवश्यकता है कि कोरोना कर्फ्यू जो है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन यूपी सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए। यही हाई कोर्ट ने बोला था कि 5 शहरों में इमीडिएट लॉकडाउन लगा दीजिए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, तो सरकार नहीं मानी। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के हल्के लक्षण रहने पर सिटी स्कैन करवाने की सलाह दी। उन्होंने सावधान किया कि बार बार सिटी स्कैन करवाने से बड़ी बीमारी हो सकती है। कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज सीटी ना कराएं। स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। ईरान के कौम शहर में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने के लिए दमकल की 100 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन जरा सी देर में ही आग ने रौद्र रूप ले लिया और तेजी से फैलते हुए फैक्ट्री के पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों से उठता घना काला धुआं बेहद तेज रफ्तार में सड़क किनारे लगे पेड़ और बिजली के खंभे को चीरता हुआ आगे बढ़ता दिखा, तो वहीं उसके बेहद करीब सड़क पर ट्रक और गाड़ियां गुजरती नजर आईं। इस दौरान आग से उठते धुएं के गुबार से पूरा आसमान ढक सा गया। इस खतरनाक आग को बुझाने में दमकल की टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लगातार पानी की बौछार के बावजूद आग कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि काफी देर की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन इसमें 2 दमकल कर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मुंबई के मुलुंड इलाके में कुछ दुकानों में भीषण आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची, लेकिन तब तक उन दुकानों में आग पूरी तरह फैल चुकी थी। उसकी लपटें और धुएं के गुबार को देखकर उस इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिन दुकानों में आग लगी उनके आसपास कई और इमारतें भी थी, जिनमें आग फैलने का खतरा मंडराने लगा। हालांकि दमकल कर्मचारियों ने इसकी नौबत नहीं आने दी। उन्होंने चारों तरफ से पानी की बौछार कर कुछ ही देर में आग बुझा दी। बताया गया कि मुंबई में लागू पाबंदियों की वजह से ये दुकानें बंद थी, जिससे कोई भी आदमी इस आग की चपेट में नहीं आया।